Hello students, today we are going to start our fourth chapter in science, first aid. What is a first aid? First aid होता क्या है? तो कभी भी किसी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो तुरंत उसको कोई इलाज देने को हम फर्स्ट एड बोलते हैं। मतलब कि मान लीजिए किसी को चोट लग गई, डॉक्टर को आने में टाइम है या उसको हॉस्पिटल ले जाने में टाइम है, तो चोट लगने के बाद तुरंत उसको हम हल्का फुल्का जो मेडिसिन या हेल्प करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड। हेल्प का मतलब हो गया एड और फर्स्ट का मतलब हो गया सबसे पहले, तो फर्स्ट एड इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड। तो इस चैप्टर में हमें जानेंगे कि फर्स्ट एड क्या होते हैं, तरह तरह किस किस तरह के एक्सीडेंट होने पे हम किस किस तरह के फर्स्ट एड दे सकते हैं, जिससे आपको नॉलेज मिलेगा इन फ्यूचर कभी कोई इस प्रॉब्लम से अगर गुजरता है तो हम उसे किस तरह से हेल्प कर सकते हैं मेडिसिन वगैरह देके। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ साइन दिए हुए हैं जिनके मतलब आई थिंक तो आपको मालूम होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ। स्पीड ब्रेकर, ये सारे साइन जो हैं वो रोड पे दिखते हैं आपको नॉर्मली। इस साइन का मतलब होता है स्पीड ब्रेकर कि आगे एक स्पीड ब्रेकर है तो आप अपनी स्पीड क्या कर लीजिए धीमे। अगर आपको ऐसा साइन रोड पे दिखता है इसका मतलब क्या है कि आगे आपके रोड पे जिस रोड पे आप जा रहे हैं आगे वहाँ पे कोई स्कूल है तो आप स्लोली चलिए। इस साइन का मतलब है नो लेफ्ट टर्न, मतलब आगे जाके कोई भी लेफ्ट टर्न नहीं है। इसका मतलब होता है नैरो ब्रिज, मतलब आगे जाके एक ब्रिज है और वो बहुत ही नैरो है या तो रास्ता ही बहुत नैरो है। इसका मतलब होता है लेफ्ट टर्न। इसका मतलब होता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब आगे सिग्नल है और सिग्नल पे क्रॉसिंग बनी हुई है जहाँ पे पेडेस्ट्रियन मतलब लोग क्रॉस करते हैं, तो आप गाड़ी स्लो चलाइए और सिग्नल को ध्यान दीजिएगा कि कब सिग्नल रेड है कब ग्रीन। इसका मतलब है एंड डेड एंड, मतलब कि आगे रास्ता है ही नहीं। इसका मतलब होता है राइट टर्न। इसका मतलब होता है नो पार्किंग, कि आप यहाँ गाड़ी वगैरह अपनी व्हीकल्स पार्क नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है नो यू टर्न, मतलब कि कोई भी यू टर्न नहीं है। ये आपके 10 सिंबल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 सिंबल्स आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। यू विल ड्रॉ दिस 10 सिंबल्स इन योर कॉपी, दिस इज योर होमवर्क। नाउ विल फर्दर मूव टू दी आवर टॉपिक फर्स्ट एड। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट द हेल्प एड गिवन टू द विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर इज कॉल्ड द फर्स्ट एड। एक्सीडेंट के दौरान जो हम हेल्प देते हैं विक्टिम को, विक्टिम मतलब जिसको चोट लगी है, बिफोर डॉक्टर के आने के पहले उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड। तो एज अ गुड सिटीजन हमें मालूम होना चाहिए कि किस किन किन चीज़ों के कैसी कैसी फर्स्ट एड हमें देनी चाहिए। तो पहला आपका जो आता है वो है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब होता है कि कभी हमें चोट लग जाती है किसी धोखेदार चीज़ से तो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करने लगता है, निकलने लगता है, खून बहने लगता है, तो उसे हम ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करें? इफ़ देर इज़ अ माइनर कट, माइनर मतलब बहुत हल्का सा कट लगा है, वाउंड का मतलब भी होता है कट लगना ऑन द स्किन, क्लीन द वाउंड विद द, हमें उस चोट को जहाँ पे हल्का सा चोट लगा जहाँ से खून निकल रहा है उसे स्टेरलाइज, स्टेरलाइज और वार्म वाटर का मतलब है हल्के से गुनगुने पानी जिसमें कोई भी बैक्टीरिया वगैरह ना हो वैसे पानी से उसको क्लीन करना चाहिए। टिंचर ऑफ आयोडीन एंड पुट अ पीस ऑफ क्लोथ ओवर, वहाँ पे आयोडीन का टिंचर करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा आयोडीन लाना चाहिए, उसके बाद एक कपड़े से उसको बांध देना चाहिए कि बाहर का डस्ट उस पर ना लगे। इन द केस अगर बहुत बड़ा कट लगा हो, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा हो, तो हमें स्टेरलाइज कॉटन, मतलब स्टेरलाइज का मतलब होता है बच्चों बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं गंदे बैक्टीरिया, उनसे कोई चीज़ को फ्री कराना, तो वो स्टेरलाइज हो जाता है। तो हमें स्टेरलाइज कॉटन मतलब कि ऐसे कॉटन को यूज़ करना जिसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया ना हो। और फिर उसके बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहाँ पे हमें बर्फ वगैरह रखनी चाहिए जिससे ब्लड क्लॉट हो सके, क्लॉटिंग स्टॉप ब्लीडिंग। क्लॉटिंग का मतलब ये होता है कभी कभी आपको चोट लग जाती होगी तो कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपको वहाँ पे एक पपड़ी सा जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती, खून बंद हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। उससे क्या हो जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है।
बच्चों यहाँ पे देखिए एक बैंडेज का नाम दिया टॉर्निक्यूट। ये एक बैंडेज होता है, इसको किसी भी बॉडी के पार्ट पे हम यूज करते हैं ब्लड फ्लो को रोकने के लिए। ये बैंडेज इतना टाइट होता है कि ब्लड फ्लो को रोक देता है। मानिए आपके हाथ में चोट लगी है और ब्लड नहीं रोक रहा है, तो अगर हम इस बैंडेज को वहाँ पे बांध देंगे इस तरह, तो ये ब्लड के फ्लो को रोक देगा और ब्लड बहना बंद हो जाएगा। इसी बैंडेज का हम लोग यूज करते हैं बच्चों स्नैक बाइट में भी, कि जब स्नैक हमें कट लेता है उसका पॉइजन हमारे बॉडी में आ जाता है, हमारे ब्लड में आ जाता है, तो उस पॉइजन वाले ब्लड को हार्ट और ब्रेन तक पहुंचने के लिए हम लोग इसी बैंडेज को बांधते हैं, क्योंकि ये इतना टाइट होता है कि ब्लड के फ्लो को कुछ समय के लिए रोक देता है। अगर बर्फ और पानी से भी खून बहना ना रुके तो हमारे बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, 12 प्रेशर पॉइंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। जहाँ पे हमें चोट लगी है वहाँ के किसी पास प्रेशर पॉइंट को हम एक्यूपरेट मतलब को दबा के ब्लड फ्लो को रोक सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 प्रेशर पॉइंट दिए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर क्या होता है? बोन का क्रैक करना या टूटना। अगर इन द केस किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो हमको कैसा प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबसे पहले तो हमें उस पेशेंट को काम करना चाहिए, उसको तुरंत डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। इन द केस अगर डॉक्टर के पास जाने में लेट होता है तो हमें उसको स्प्लिंट देना चाहिए। स्प्लिंट क्या होता है? स्प्लिंट मतलब होता है किसी चीज़ से सहारा। मान लीजिए किसी का हार्ट टूट गया है तो हमें किसी कार्डबोर्ड की मदद से या पिलो की मदद से उसके हाथ को एक ऐसे डायरेक्शन में रखना चाहिए कि वो ज़्यादा मूव ना कर सके और उसको सपोर्ट मिले, क्योंकि अगर वो मूव करेगा तो ब्रेक डिसलोकेट मतलब जो बोन है वो डिसलोकेट भी हो सकता है और उनको दर्द भी ज़्यादा होगा। तो उस दर्द को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्प्लिंट। स्प्लिंट मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे वो अपने हाथ को मूव ज़्यादा ना कर पाएँ। फिर हम पढ़ते हैं बंस। अगर कोई जल जाता है तो उसको कैसे हम ट्रीट करें? अगर कोई बच्चा जल जाता कोई जलता है तो उसके ऊपर तुरंत हमें ब्लैंकेट या कोई मोटी चीज़ डाल देनी चाहिए जिससे हवा का कांटेक्ट उस फायर से रुक जाए, क्योंकि हवा के ही मदद से फायर जलता है। तो जब आप उस पर ब्लैंकेट डाल दोगे तो हवा वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी, और जब हवा नहीं पहुँच पाएगी तो वहाँ पर जो फायर लगी है वो अपने आप बुझ जाएगी। ठीक। अब जो अगर किसी को हल्का कुछ जलने के बाद कोई अगर जला है तो हमें उस तुरंत ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी डालने से उनको क्या हो सकता है? ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? कभी कदा जब लोग जल जाते हैं उस पर ठंडा पानी डाल देते हैं तो उस पर ब्लिस्टर हो जाते हैं, वहाँ की स्किन जो होती है वो रेड होकर फूल जाती है बबल की तरह, और उसमें लिक्विड टाइप सब्सटेंस भर जाता है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं फोड़ा हो जाना। ठीक है, वो उसकी पूरी तरह डैमेज हो जाती है और वो बबल की तरह फूल जाता है पिंपल्स की तरह, और उसमें बहुत सारा लिक्विड भर जाता है, उसे हम बोलते हैं ब्लिस्टर। इन द केस अगर किसी को माइल्ड वन मतलब बहुत हल्का जलता है वो, तो हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे बर्नॉल यूज़ करना चाहिए। बर्नॉल एक क्रीम होता है, उसे बहुत जल्दी आराम मिलता है। और अगर कोई कुछ ज़्यादा ही जल गया है तो हमें बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन इस्तेमाल करना चाहिए तुरंत, बेकिंग सोडा का, और उसको तुरंत हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। और हमें देखिए डू नॉट प्रिक द ब्लिस्टर। अगर कोई जलता है और उसको किसी वजह से ब्लिस्टर हो गए हैं तो उन्हें उस ब्लिस्टर को छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो उनकी पूरी स्किन डैमेज हो सकती है। अब हम आते हैं स्नैक बाइट। अगर किसी को स्नैक ने बाइट कर लिया तो उसका पॉइजन उस इंसान में चला गया, उनके ब्लड में मिल गया, तो वो ब्लड की मदद से बहुत जल्दी हमारे हार्ट और ब्रेन तक पहुँच सकता है। तो उसको जल्दी पहुँचने रोकने के लिए हम कौन सा बैंडेज यूज़ करते हैं? टॉर्निक्विट, जो कि हम ब्लीडिंग में भी यूज़ करते थे, इसका नाम आप पहले सुने होंगे। ठीक है, इसको हम लोग जहाँ पे स्नैक बाइट किया उसके ऊपर बांधते हैं ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो ऊपर तक हमारे हार्ट और ब्रेन तक ना पहुँच सके। इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट मतलब बीज और वेब। कभी भी मधुमक्खियाँ वगैरह जब आपको काटती हैं तो वो अपना डंक मार के जाती हैं, स्टिंग छोड़ देती हैं आपके स्किन में। तो सबसे पहले हमें उसे साफ पानी से क्लीन करना चाहिए और उनके स्किन को बाहर निकालना चाहिए, और उसके ऊपर आइस क्यूब मतलब बर्फ का टुकड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे वहाँ पे दर्द कम होगा और स्वेलिंग भी कम होगी। डॉग बाइट।
इन द केस कभी किसी को डॉग काट लिया तो सबसे पहले हमें जहाँ डॉग काटा है जो वाउंड है जहाँ से ब्लड निकला है पहले उस एरिया को सोप से या किसी चीज़ से धोना चाहिए ताकि वहाँ से वो रैबिस का वायरस चला जाए। रैबिस का जो वायरस होता है वो उस एनिमल डॉग के सलाइवा में होता है, सलाइवा मतलब थूक में होता है। फिर वहाँ पे हमें एंटीसेप्टिक यूज़ करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो सके और आप बैंडेज का यूज़ करना चाहिए। पॉइजनिंग, अगर कोई जहर खा लेता है, हमारे घर में काफ़ी जगह पॉइजन का होता है जैसे नेल पॉलिश में, डिटर्जेंट में, कुछ मेडिसिन में जो तो हमें हमेशा रिमेम्बर रखना चाहिए कि सारे मेडिसिन को बच्चों से हमें दूर रखना चाहिए। मेडिसिन खाने के पहले उनके लेवल को चेक करना चाहिए कि वो एक्सपायर तो नहीं। वेजिटेबल्स को हमेशा हमें चेक करके खाना चाहिए, धो कर खाना चाहिए क्योंकि ये हो सकता है कि उस वेजिटेबल को कोई एनिमल खाया हो, कोई इंसेक्ट खाया हो जिससे वो वेजिटेबल या फ्रूट पॉइजनस हो गया हो, मतलब जहर वाला हो गया हो, जहरीला हो गया हो, तो हमें वो चेक करना चाहिए। इन केस किसी ने अगर पॉइजन खा लिया किसी वजह से गलती से तो हमें उसे तुरंत वॉमिट कराना चाहिए, उल्टी कराना चाहिए क्योंकि उसकी मदद से क्या होगा, जो पॉइजन उन्होंने खाया है वो पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे तो उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड, हम बहुत सारे एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं जैसे एट होम इन द किचन। किचन में जैसे आप इन लेडी को देख सकते हैं कि अपनी साड़ी की मदद से कढ़ाई को पकड़ गई हैं जो कि बहुत ही गलत है। हमारे घर में हमारी जो मदर वर्क करती हैं वो बर्निंग स्टोव से कढ़ाई को ऐसी साड़ी की तरह पकड़ती है जो कि बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि जो हम नायलॉन और टेरेलिंग क्लोथ्स पहनते हैं, नायलॉन और टेरेलिंग क्लोथ्स पहन के हमें आग के पास नहीं जाना चाहिए। इस तरह के कामों के लिए हमें अलग से कॉटन का क्लोथ यूज़ करना चाहिए ऐसी चीज़ों का हैंडल करने के लिए। हमेशा हमें फायर को ऑफ करके सिलेंडर को चेंज करना चाहिए। हमें कभी भी इस तरह टेरिस पे काइट नहीं उड़ानी चाहिए, हमें हमेशा पार्क में जाके ऐसा पतंग वगैरह उड़ानी चाहिए। हमें नाइफ से कभी नहीं खेलना चाहिए, बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रिक डिवाइस को हमें इस तरह नहीं यूज़ करना चाहिए, ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। पहले हमें स्विच ऑफ करके प्लग लगाना होगा फिर उसके बाद हम उसको स्विच ऑन करेंगे, ये हमारे लिए सेफ होगा। घर के बाहर हम कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं एक्सीडेंट से बचने के लिए, कि हमको सिर्फ प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, रोड पे फुटपाथ पे नहीं खेलना चाहिए, हमेशा रोड जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए। और अगर हम व्हीकल चला रहे हों तो हमें ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान देना चाहिए कि हमें सिर्फ ग्रीन पे जाना है, रेड पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मतलब आम लोग पैदल क्रॉस करते हैं, हमें रोड कभी भी नहीं खेलना चाहिए। व्हाट शुड यू डू इफ यू गेट हर्ट, अगर आपको कट वगैरह लग जाता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ वही चीज़ बता रहा कि अगर आपको कट लग जाता है, चोट लग जाती है, खून बहता है तो उसको तुरंत स्टरलाइज वाटर से धोइए, वहाँ एंटीसेप्टिक लगाइए, उसको बैंडेज करिए, ठीक। अगर आप जल जाते हैं तो उसको तुरंत ठंडे पानी में अपनी, जैसे आपकी हल्की सी उंगली जल गई है तो तुरंत ठंडे पानी में डालिए, तब तक उसको उसमें रखिए जब तक आपको वो बर्निंग वो जलन कम ना हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, इसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे तो एक्सरसाइज के जो आंसर्स हैं मैं आपको मैसेज के फॉर्म में आपको सेंड करूँगा और इस पेज का फोटो मैं आपको सेंड करूँगा जिसकी मदद से आप एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में कर सकेंगे। सो थैंक यू डियर, इन नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 5th। थैंक यू।